अब देखिए, अब मैंने बोला कि मैथमेटिकली प्रिसाइज लैंग्वेज, ठीक है, तो एक लैंग्वेज जो होती है तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? सबसे पहले वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लेटर्स, ठीक है, लेटर्स कहो या फिर उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, या फिर हम उनको कह सकते हैं सिंबल्स, लेटर्स अल्फ़ाबेट सिंबल्स, ठीक है। अब लेटर्स अल्फ़ाबेट सिंबल्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट क्रिएटेड कि आपने किसी आवाज़ को दिखाने के लिए हमने कुछ सिंबल्स का यूज़ किया, ठीक है। देखो जैसे अगर मैंने बोला ए, ठीक है, अब ये जो ए है, ए इज जस्ट अ सिंबल, हमने बोला कि जब भी हम इस सिंबल को देखेंगे तो हम बोलेंगे ए, राइट। उसी तरीके से मैंने बोला बी, अब ये जो बी है, बी सिंबल का मतलब कुछ नहीं है, हमने बोला कि जब भी हम इस सिंबल को देखूंगा तो मैं बोलूंगा बी। अब मैं ऐसा भी तो डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ स्पेशल सिंबल देखूँ ये, तो अगर मुझे ये सिंबल कहीं पर दिखे तो मैं इसको देखते ही बोलूँगा इट इज़ जी, राइट। तो जब मैं सिंबल्स अल्फ़ाबेट्स की बात करता हूँ, इसका मतलब यह है कि हमने कुछ ऐसे सिंबल्स को बनाया कि जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये सिंबल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक सिंबल कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स या फिर सिंबल्स, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज़ अ सिंबल, ठीक है। अभी लेटर्स अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स की हेल्प से हम जो अगली चीज़ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड्स, वो होता है हमारे पास वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स या फिर स्ट्रिंग्स, या फिर स्ट्रिंग्स। तो वर्ड्स स्ट्रिंग्स, जैसे कि मैंने बोला कि ए बी सी इट इज़ अ स्ट्रिंग, उसी तरीके से मैंने बोला एक्स वाई जेड इट इज़ अ स्ट्रिंग, मैंने बोला बी ए टी बैट इट इज़ अ स्ट्रिंग, मैंने बोला सी ए आर कार कार इज़ अ स्ट्रिंग। सो दीज आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है वो इनकी हेल्प से आती है हमारे पास सेंटेंसेस, तीसरी चीज़ हमारे पास सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि लेट अस से अ बॉय ईट्स, अ डॉग बार्क्स, अ कैट रन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब क्या है? दीज आर सेंटेंसेस। लेकिन इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपने किस चीज़ का यूज़ किया? इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें चाहिए था सबसे पहले सिंबल, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। दूसरी चीज़ आपको चाहिए थी सिंबल से वैलिड वर्ड्स, या फिर हम बोले स्ट्रिंग्स। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए थी कि इन सिंबल्स को कंबाइन कैसे करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो सिंबल्स को कंबाइन करने के लिए वी यूज्ड समथिंग कॉल्ड एज ए ग्रामर, तो जब हमारे पास ये तीन चीज़ थी, सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स जिनसे हमने बनाया वैलिड वर्ड्स या फिर स्ट्रिंग, और उसको हमने कंबाइन किया बाय द हेल्प ऑफ ग्रामर, और यू कैन से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और यू कैन से सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, इनको हम सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स भी बोल सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों की हेल्प से हमने बनाया सेंटेंस, जैसे अ बॉय ईट्स, अ डॉग बार्क्स, अ कैट रन्स। तो ये सेंटेंसेस इन वर्ड्स को किस तरीके से कंबाइन करना है, तो वो हमने इस ग्रामर की हेल्प से किया, ठीक है। अब सेंटेंसेस में हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर वी हैव सेंटेंसेस लाइक वी हैव अ बॉय ईट्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक वर्ब है जो कि हमारे पास ईट्स हैं, इसमें एक नाउन है जो कि हमारे पास बॉय है, और इसमें एक आर्टिकल है जो कि हमारे पास ए। तो अगर मैं एक सेंटेंस की बात करता हूँ, जैसे कि सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में सबसे पहला पोर्शन अ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज ए आर्टिकल, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है यहाँ पर, वो है हमारे पास बॉय। अब ये बॉय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉय इज रिप्रेजेंटिंग अ नाउन, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, वो है ईट्स। अभी ईट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ईट्स इज रिप्रेजेंटिंग वर्ब, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अगर इस केस में इफ़ आई हैव टू मेक अ सेंटेंस, तो सेंटेंस में कैसे बनाऊंगा यहाँ पर? अ सेंटेंस
can be created by using article plus noun plus verb. ठीक है, सी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं. सो आर्टिकल प्लस नाउन प्लस वर्ड्स. अब आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अ और द, है ना. और जैसे नाउन्स, नाउन्स हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ कैट, इट कैन बी अ डॉग, इट कैन बी सम नेम, राइट. प्लस वर्ब, वर्ब में क्या हो सकता है, विच इज वॉक्स, ईट्स, स्लीप्स, राइट, ईट्स, वॉक, स्लीप, रन्स, बार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब मैं इनमें से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया अ, तो हमारे पास आया अ. इसमें से लेट अस से आई सेलेक्ट कैट, अ कैट. अब इसमें से लेट अस से आई सेलेक्ट स्लीप, स्लीप. सो कैट स्लीप्स. तो हमारे पास तीन चीज़ें होगी, अ कैट स्लीप्स. ठीक है, तो ये जो हमने सेंटेंस बनाया वो हमने कुछ ग्रामेटिकल रूल्स की हेल्प से बनाया. तो ये जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन रूल्स. तो एक लैंग्वेज इसके तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन रूल्स एंड वैलिड स्ट्रिंग्स एंड सिंबल्स. ठीक है, अब इन सभी चीज़ों की हेल्प से जो हमारे पास बनती है वो है हमारे पास लैंग्वेज. ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ लैंग्वेज का. अब जैसे कि मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, मेरे पास सिंबल जो है या फिर अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट, मैं अल्फ़ाबेट्स को शॉर्ट फॉर्म में समीशन से रिप्रेजेंट करूँगा, समीशन. ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक लैंग्वेज बनानी है जो कि मैथमेटिकली प्रिसाइज है, ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, समीशन इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट, कि मेरी लैंग्वेज के अंदर दो ही सिंबल हैं जो कि स्मॉल ए और स्मॉल बी है. जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 26 सिंबल्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और ए बी सी डी अप टू सो ऑन जेड, तो हमारे पास जेड तक सिंबल्स हैं. ठीक है, उस तरह से हम कुछ नंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर, राइट. तो यहाँ पर जब मैं इस लैंग्वेज की बात करता हूँ तो आई थिंक अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग रॉन्ग है. सो अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग, सो यू कैन चेक इट आउट. सो हमारे पास क्या होगा, समीशन ए कॉमा बी, जो कि दिखा रहा है कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कि हमारी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कौन से हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, अब इन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स से आई एम गोइंग टू मेक सम मैथमेटिकल डेफिनेशंस ऑफ ऑल द वर्ड्स. ठीक है, तो जिसको हम बोलेंगे सेट ऑफ वर्ड्स कैन बी लैंग्वेज इज इक्वल टू, हमारे पास है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली टू, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली टू, जिसको मैथमेटिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W such that length of W should be equal to 2. ठीक है, वो इस लैंग्वेज को हम दो तरीके से यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया. तो इसके अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स क्या क्या होंगी, स्ट्रिंग्स विल बी ए ए, ए बी, बी ए एंड बी बी, यानी कि इस सेट ऑफ अल्फ़ाबेट के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जिनकी लेंथ 2 है वो हमारे लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स होंगी. ठीक है, अब जब यहाँ पर इस लैंग्वेज की बात करूँगा ना, वेन एवर आई टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मैं बताऊँगा इस लैंग्वेज में ऐसे कौन से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज के अंदर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम उसको कंबाइन करेंगे प्रोडक्शन रूल से, जिससे हम बनाएंगे मीनिंगफुल सेंटेंस. तो हमने क्या किया, हमारे पास लैंग्वेजेस, लैंग्वेज हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, इसको हम कंबाइन करेंगे प्रोडक्शन रूल्स से, प्रोडक्शन रूल्स से, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं ग्रामर, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर, और इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे मीनिंगफुल सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि ऐसी मीनिंगफुल चीज़ें जिससे हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकें. ठीक है, तो जब भी मैं लैंग्वेज की बात करूँगा, लैंग्वेज मीन्स इट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विच वी आर गोइंग टू कंबाइन विद प्रोडक्शन रूल्स सो दैट वी कैन मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ठीक है, तो अब लैंग्वेज के अंदर, जैसे इस लैंग्वेज के अंदर मैं बहुत सारे अलग तरह से मैथमेटिकली मैं अलग अलग लैंग्वेजेस बना सकता था, जैसे कि ये हमारी लैंग्वेज L1 थी. अब इसी सेम सिंबल के साथ मैं एक और मैथमेटिकल लैंग्वेज डिफाइन कर सकता हूँ, लैंग्वेज L2 इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन टू,
ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 2, या फिर इसको आप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं w सच दैट लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब देखो इस लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज L2 है इसके अंदर स्ट्रिंग्स क्या क्या पॉसिबल है। स्ट्रिंग जो पॉसिबल होंगी वो होंगी ए ए ए ए ए बी ए बी ए ए बी 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 ए ए बी ए बी 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 ए बी 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 ए ए ए ए ए ए ए बी एंड सो ऑन। सो आप चेक कर सकते हो कि ये जो लैंग्वेज है इवन दो इसके अंदर जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है दे आर इन्फाइनाइट, इस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी इन टोटल देर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, बट स्टिल हम इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं वेयर डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग्स। यहाँ पर जो डब्ल्यू है इट इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो इस लैंग्वेज के अंदर जो भी हमारे पास सिम्बल्स होंगे, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, ये सभी स्ट्रिंग्स हमारे पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो लैंग्वेजेस को हम मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ओके। अब मैं सभी चीज़ों का छोटा छोटा एग्जांपल लूँगा ताकि हम आगे और मीनिंगफुल सब्जेक्ट को आगे बढ़ सके। तो जो पहला जो मैं भी चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ इसमें हर चीज़ का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रिंग्स क्या होती है, मशीन्स ऑटोमेटास क्या होते हैं और ग्रामर क्या होती है। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम हर चीज़ को कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। देखो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पहला चैप्टर्स, दूसरा होता है सेक्शंस या फिर यूनिट्स। तो पहला हमारे पास जो सेक्शन हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटास, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, पहले इन सबका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये सब है क्या, फिर उससे हम लोग आपको मैं फिर आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटास के अंदर पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और उसको आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।